हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लीजिए गार्डनिंग में। और दोस्तों, आप देख सकते हैं आज का हमारा जो वीडियो है वो है एक नेचुरल फर्टिलाइज़र का, जो कि हम बनाएंगे कुछ प्याज के छिलकों से। आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ प्याज के पिल्स हैं ये, जिसमें कि इसमें कुछ और भी छिलके हैं, जैसे कि मैंगो हो गया और कुछ आलू के भी इसमें छिलके हैं, जिससे कि हम आज एक नेचुरल फर्टिलाइज़र बनाएंगे। दोस्तों, अगर आपके पास ऐसे कुछ किचन से कुछ वेस्ट छिलके अगर निकलते हैं तो आप इन्हें फेंकिएगा मत। देखिए दोस्तों, ये आलू के छिलके हैं, इन सबका यूज़ करके हम एक बेस्ट फर्टिलाइज़र, होममेड फर्टिलाइज़र बनाएंगे, जो कि आपके पौधे की ग्रोथ को डबल कर देगा। तो इसके लिए हमें चाहिएगा एक जग पानी, देख सकते हो, और ये एक इस तरह का आपको डिब्बा चाहिएगा जिसमें कि हम ये फर्टिलाइज़र बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं जो भी हमारे पास जो ओनियंस, मैंगो और पोटैटो के जो छिलके हैं, इन सब छिलकों से हम आज ये बनाएंगे। तो आपको इन सबको क्या करना है, धीरे धीरे इन सब छिलकों को इसके अंदर डालना है, बॉक्स के अंदर। तो ध्यान रहे सब छिलके अलग अलग हो, एकदम मिक्स ना हो। तो एक एक करके आप इन सब छिलकों को बॉक्स में भरेंगे, पूरा नहीं भरना है इसको, हाफ भरना है। तो देख सकते हैं इस तरह से आपको जितने भी छिलके हैं सारे के सारे इस बॉक्स में डाल देने हैं। और दोस्तों, ये जो फर्टिलाइज़र होता है ये कोई ऐसा वैसा फर्टिलाइज़र नहीं है, ये आप बाज़ार से लाएंगे उससे भी अच्छी तरह से इसका काम होता है। ये आपके पौधे की ग्रोथ वाकई में दोगुनी बढ़ाएगा। और आप देख सकते हैं इसको आजमा के देखिएगा एक बार कि वास्तव में ये होता ही नहीं है। तो दोस्तों, आप देखिए इस तरह से आपको सारे छिलके इस बॉक्स में डाल देने हैं और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारा पानी है इसको अब इसमें हम पानी फिल करेंगे। तो देख सकते हैं इसके लिए हम एक जग पानी काफ़ी हो गया। दोस्तों, ध्यान रहे कि पानी जो है इसको फुल नहीं भरना है, इसको थोड़ा गैप रखना है, इसको पूरी तरह से छिलके डूब जाना चाहिए इतना पानी भरना है। तो इसलिए देख सकते हैं, तो अब हम इन छिलकों को अच्छी तरह डिब्बे में मिक्स कर देंगे। इसको करना क्या, आप इसको ढक्कन जो होगा इस ढक्कन से इसको बंद कर लेना है। इस तरह आप इसको ढक्कन से पैक कर लें। पैक करने के बाद इसको अच्छी तरह से हिला लें ताकि इसमें जो पिल्स है वो मिल जाए।